हाय एवरीवन, मैं रुपेश कुमार सिंह अगेन आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो आपके लिए ला चुके हैं, जिससे किसी भी एग्जाम के लिए वो आपको हेल्प कर सकता है। और उसी प्रकार आज का जो हमारा शॉर्ट वीडियो रहेगा, वो रहेगा आपका एक ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज एटमोस्फेरिक लेयर्स। जी हाँ, एटमोस्फेरिक लेयर। देखिए, आप सभी को पता है कि जो हमारा एटमोस्फियर है उसको 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, 5 लेयर में उसको डिवाइड किया गया है। और वो जो 5 लेयर हैं, वो है, याद रखिएगा, आपका ट्रोपोस्फियर, स्टाटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। यस, और एक बार बता देता हूं, देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्टाटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं एक एक लेयर के बारे में, आपको ऑलरेडी डिटेल आपको बताऊंगा। देखिए, जो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर आपको देखने को मिलेगा कहां से? आपका जो सरफेस होता है, ठीक है, पोल का सरफेस से आपका 8 किलोमीटर और इक्वेटर का सरफेस से आपका 16 किलोमीटर का जो हाइट होता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा हमारा एटमोस्फियर का पहला लेयर, जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर। वहां से आपका 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक आपको एटमोस्फियर का दूसरा लेयर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाटोस्फियर। वहां से लेकर आपका 80 किलोमीटर तक आपको एटमोस्फियर का तीसरा लेयर देखने को मिलेगा, दैट लेयर इज कॉल्ड एज मेसोस्फियर। उसके बाद वहां से लेकर आपका 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक आपको एटमोस्फियर का चौथा लेयर देखने को मिलेगा, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज द आयनोस्फियर। एंड द रेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर दैट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्सोस्फियर। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अब यहां पे देखिए, जो ट्रोपोस्फियर होता है और जो स्टाटोस्फियर होता है, वो दोनों को जो लेयर सेपरेट करता है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपोज। क्लियर? उसी प्रकार से जो स्टाटोस्फियर होता है और आपका जो मेसोस्फियर होता है, उसको जो लेयर सेपरेट करता है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज स्टाटोपोज। उसी प्रकार से मेसोस्फियर और आपका आयनोस्फियर को जो लेयर सेपरेट करता है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज मेसोस्पोज। उसी प्रकार से आपका आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर को जो लेयर सेपरेट करता है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज आयनोस्पोज। इतना समझ में आ गया सबको? देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो आपका स्टाटोस्फियर का जो लेयर है, जिसको मैं बताया था, आपका पोल से आपका जो 8 किलोमीटर का जो एरिया है, वहां से आपका 50 किलोमीटर तक, और जहां पे आपका ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, वहां से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो लेयर है स्टाटोस्फियर का, उस लेयर में आपको एक और लेयर देखने को मिलेगा, जिस लेयर का नाम है, याद रखिएगा, ओजोन लेयर। जी हाँ, वही ओजोन लेयर जो कि सन से आने वाले जो हार्मफुल रेज है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो कि आपके शरीर के, बॉडी के, स्किन कैंसर के कारण बन सकते हैं, उनको क्या करता है, आपका धरती में आने के लिए, धरती का जो सरफेस है उसमें आने के लिए रोकता है। ठीक है, द डेट लेयर इज प्रेजेंट इन द, यू कैन से डेट स्टाटोस्फियर में ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक एक आपका लेयर है, उस एक एक लेयर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए आप लोग ट्रोपोस्फियर में। देखिए, जो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर में आपको देखने को मिलेगा क्या, ऑल वेदर फेनोमेनन, जितना भी आपका वेदर फेनोमेनन हो रहा है, जैसे कि आपका बादल का फॉर्मेशन होना, बारिश गिरना, जितना भी सारे कुछ आपका वेदर रिलेटेड चीज होती है, सारे के सारे होती है कहां पे आपका, सारे के सारे होती है आपका ट्रोपोस्फियर में। उसके साथ साथ ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में देखिए, जैसे जैसे आप लोग धरती से ट्रोपोस्फियर लेयर में आप लोग मूव करोगे, तो क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है वो आपका डिक्रीज करता है। जी हाँ, जैसे जैसे आप लोग
आपका ट्रोपोस्फेरिक लेयर में आप लोग क्या करोगे, मूव करोगे, तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे आपका डिक्रीज करता है। किस हिसाब से डिक्रीज करता है, अगर आप लोग 165 मीटर अबव जाते हो, ट्रोपोस्फेरिक लेयर का बात कर रहा हूं मैं कल यहां पे, अगर आप लोग ट्रोपोस्फेरिक लेयर में 165 मीटर अगर आप लोग ऊपर जाते हो तो वहां पे क्या होगा आपका -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। यानी हर 165 मीटर अगर आप लोग ऊपर जाते हो तो आपका जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा, और उसको बोला जाता है, याद रखिएगा आप लोग, नॉर्मल लैपेज रेट ऑफ टेम्परेचर, उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, नॉर्मल लैपेज रेट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। अब आते हैं हम लोग दूसरे लेयर में, दूसरा लेयर है याद रखिएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर। यहां पे क्या होता है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो एरोप्लेन फ्लाई करता है, जितने भी आप लोग देखते होंगे एरोप्लेन जो फ्लाई करता है वो कहां पे फ्लाई करता है, वो फ्लाई करता है याद रखिएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करता है। क्यों? बिकॉज इट इज द क्लीनेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमोस्फियर। हमारा जो एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर का जो सबसे क्लीनेस्ट लेयर होता है वो होता है याद रखिएगा आप लोग, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर का पूरा उल्टा होता है। यानी आपको बताया गया था ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे आप लोग अबव मूव करोगे आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इसका उल्टा होता है, जैसे जैसे आप लोग ऊपर मूव करोगे टेम्परेचर क्या करेगा आपका इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, रिसेंटली आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे आपका क्या रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। और वो डिस्ट्रॉय होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है याद रखिएगा आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ऑल द कूलिंग एजेंट्स या फिर चिलिंग एजेंट्स, आप लोग परफ्यूम यूज करते हो आपको ठंडा लगता है, थोड़ा चिल लगता है, फ्रिज का गेट जब खोलते हो तो वहां से आपका गैस निकलता है, एसी से जो गैस निकलता है, दिस ऑल आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसका जो एक्सेसिव यूज हो रहा है, उसका एक्सेसिव यूज के कारण क्या होता है आपका जो ओजोन लेयर है वो क्या कर रहा है आपका धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरे लेयर में, जो कि है आपका याद रखिएगा मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में अगेन क्या होगा, तो याद रखिएगा टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे आप लोग मेसोस्फीयर में मूव करोगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। और यहां पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है नियरली -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दैट्स व्हाई द मेसोस्फीयर इज कॉल्ड एज द कूलेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमोस्फियर। हमारा एटमोस्फियर का सबसे जो ठंडा लेयर है वो है याद रखिएगा आपका मेसोस्फीयर। नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट लेयर में, वो है याद रखिएगा आपका आयनोस्फीयर। क्लियर। देखो आयनोस्फीयर को हम लोग थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, बहुत सारे किताबों में आपने देखा होगा आयनोस्फीयर को हम लोग थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। क्लियर। तो यहां पे क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे आयन्स देखने को मिलेंगे, और ये आयन्स क्या होते हैं आपका जो रेडियो कम्युनिकेशन है, जो आपका सिग्नल भेजते हो, जो रेडियो कम्युनिकेट हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन्स इन द आयनोस्फीयर। और यहां पे क्या होता है, तो यहां पे भी याद रखिएगा आपका टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे आप लोग ऊपर मूव करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एंड फाइनली द लास्ट लेयर ऑफ आवर एटमोस्फियर, दैट इज द एक्सोस्फियर। यहां पे भी याद रखिएगा, क्योंकि आप अर्थ का एटमोस्फियर सरफेस से बहुत दूर निकल चुके हो, जो सन का प्रभाव बहुत ज्यादा आने लगता है, इसीलिए यहां पे क्या होता है, अगेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट, और इट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमोस्फियर। सो ये था याद रखिएगा आपका एटमोस्फेरिक लेयर्स के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया दिया गया। होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको लगता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए पानी के YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।